विश्वामित्र ने बेटा की अंगुली में जब खा लिया है तो हाय मैया कह के लाला जमीन पर गिर पड़ा है। जब लाला जमीन पर गिर पड़ा है विश्वामित्र सांप से याद बन के काशी में पहुंच गए और आवाज लगाई है काशी के लोगों, किसी मैया का लाल गया था जंगल में बगिया के बीच में फूल लेने के लिए, उसी किसी काले नांग ने खा लिया। मैया ने जैसे ही देखा है कि हमें लग रहा है मेरा ही लाल गया था, अब मेरा लाल संसार में नहीं है। मैया ने जवाब दो, ब्राह्मणी मैया हमें आज्ञा दे दे, मेरो लाल किसी सांप ने खा लिया है। जवाब दिया, नालायक सबसे पहले भोजन बनाओ, इसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाओ, ताकि बाद अपन लला के पास में जाना। आज मैया ने रोते रोते भोजन तो बना दिया। फिर मैया ने जवाब दिया, मैया हमें आज्ञा दे दे मेरे लाल की। आज मैया ब्राह्मणी ने जवाब दिया है, पहले भोजन बना दिया, ठाकुर जी का भोग लगा दो, उसके बाद चली जाना। आज मैया ने जल्दी से भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद आज मैया ने तनिक देर नहीं की, जाकर के आज मैया जब बगिया में पहुंची, महाराज गजब हो गया। जैसे लाला को जमीन पर देखा, मुंह से झाग निकल रही थी। आज मैया ने जैसे देखा कि विधाता मेरा ही लाल है। मेरे भैया ये सत्य बात है, उस मैया से जाके पूछो जिसके कलेजे के टुकड़ा उससे अलग हो गया हो। आज मैया ने जैसे लाला को देखा है, जवाब दो। लाला ने जवाब दो है, मैया तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुमने बहुत देर कर दी है। तो मैया रोने लगी तो रोहतास की अंतिम सांसें चल रही थी। आज अंतिम सांसें में अपनी मैया को समझाने लगे, माँ कलनी।